अयोध्या धाम में श्री राम लला की आरती और दर्शन का नया समय जारी। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया बदलाव। अब सुबह 4:30 बजे होगी मंगला आरती और सुबह 6:30 बजे उत्थान आरती का समय। सुबह 7 बजे से होंगे दर्शन। दोपहर 12 बजे और रात 9 बजे होगी भोग आरती। संध्या आरती का समय 7:30 और शयन आरती का समय रात 10 बजे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने मंदिर पहुंचकर लिया जायजा। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा मामलों की ली जानकारी। अयोध्या में बीजेपी 30 जनवरी से करेगी राम दर्शन यात्रा की शुरुआत। 24 मार्च तक चलेगा अभियान। रोजाना 20,000 लोगों को करवाए जाएंगे दर्शन। 30 जनवरी को राजस्थान और हरियाणा से ट्रेन से अयोध्या आएंगे श्रद्धालु। नव अयोध्या टेंट सिटी में ठहरने का इंतजाम। नव अयोध्या में बनी टेंट सिटी में 20,000 लोगों के रहने की क्षमता। हनुमान गुफा के नजदीक एक और टेंट सिटी का होगा निर्माण। 2,500 लोग ठहर सकेंगे। अयोध्या में शुरू होने वाला है वीआईपी दर्शन का सिलसिला। 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री करेंगे रामलला के दर्शन। 2 फरवरी को उत्तराखंड के मंत्री करेंगे रामलला के दर्शन। 3 फरवरी को राजस्थान का मंत्रिमंडल आएगा अयोध्या। अयोध्या में 21 जगहों पर होगा भंडारे का आयोजन। 150 लोग चलाएंगे भंडारा। तैयारी की जा रही है पूरी। जीएनटी पर देखिए मंदिर का वो हिस्सा जहां रखी जाती हैं रामलला की पोशाकें। रामलला की क्लोजेट में हुआ सागौन लकड़ी का इस्तेमाल। लकड़ी के ऊपर पूरे रंग। रामलला के शुभ वस्त्रों को रखने के लिए स्पेशल हैंगर भी किए गए हैं डिजाइन। ये स्पेशल हैंगर इसलिए बनाए गए हैं ताकि कपड़े जल्दी खराब ना हो। रामलला की क्लोजेट को मनीष त्रिपाठी ने किया है तैयार। मनीष ने ही रामलला के सारे परिधानों को किया है डिजाइन और तैयार। रामलला को हर दिन के हिसाब से पहनाए जाते हैं अलग अलग वस्त्र। शुक्रवार को रामलला ने पहनी श्वेत रंग की पोशाक। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रभु श्री राम की दिखी अलग छवि। केसरिया सफेद और हरे रंग के फूलों की माला से उन्हें सजाया गया। भारत यात्रा पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह। बैठकर सुनी कवाली। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साथ रहे मौजूद। भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का रोडमैप तैयार। मैक्रों की यात्रा में 16 अहम घोषणाएं। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर निर्माण सहित कई क्षेत्रों में बढ़ेगा भारत फ्रांस का सहयोग। विदेश मंत्री ने दी जानकारी। 2 साल बाद मनाया जाएगा इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। 2026 तक और आगे बढ़ेगी साझेदारी। भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी। 2030 तक फ्रांस सरकार 30,000 भारतीय छात्रों को देगी अपने देश में पढ़ने का मौका। मैक्रों ने किया ऐलान। बिहार में राजनीतिक हालात पर निगाहें। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने 5 बार नीतीश कुमार को किया फोन। नीतीश ने नहीं की बात। कल जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने की बैठक। वशिष्ठ नारायण सिंह, पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और देवेश चंद्र ठाकुर रहे मौजूद। नीतीश कुमार ने बुलाई जेडीयू की सांसदों और विधायकों की बैठक। 28 जनवरी को सुबह 10 बजे होगी मीटिंग। पार्टी के अन्य सभी कार्यक्रम रद्द। पटना में आज और कल बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक। आज शाम 4 बजे से होगी मीटिंग। बैठक के लिए पटना बुलाए गए पार्टी के सभी सांसद और विधायक। सरकार बनाने पर मंथन होने की अटकलें।
आज 1 बजे दिन में पटना में आरजेडी ने भी बुलाई अपने विधायकों की बैठक। सियासी हालात पर हो सकती है चर्चा। राजभवन में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश, नहीं पहुंचा आरजेडी का कोई नेता। तेजस्वी की कुर्सी पर बैठे जेडीयू नेता अशोक चौधरी, बगल में दिखे बीजेपी नेता विजय सिन्हा। तेजस्वी के राजभवन नहीं आने के सवाल पर बोले नीतीश कुमार, कहा जो नहीं आए उनसे पूछिए। बिहार में सियासी हलचल के बीच सूत्रों के मुताबिक नीतीश बीजेपी के साथ बना सकते हैं सरकार। जल्द लेंगे सीएम पद की शपथ, फिर से सुशील मोदी बन सकते हैं डिप्टी सीएम। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, लोकसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई है पार्टी की बैठक, सरकार बनाने के बारे में बताएगी मौजूदा सरकार। सुशील मोदी के बयान पर चुप्पी। बिहार के सियासी हालात पर बोले आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा, असमंजस की स्थिति को स्पष्ट करें नीतीश कुमार। बिहार में सरकार बनाने के बारे में पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, वही होगा जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा, समय बलवान होता है व्यक्ति नहीं, 31 जनवरी तक बिहार के लिए शुभ होगा। बिहार में राजनीतिक उठा पटक पर आरजेडी विधायक रीत लाल यादव का बयान, लालू प्रसाद का कंधा मजबूत है, सुख और दुख दोनों झेल लेंगे। नीतीश कुमार के एनडीए में आने पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पार्टी सर्वोपरि है, मैं कार्यकर्ता हूं, हमारे दरवाजे बंद हैं, सदस्यता के लिए कोई आएगा तो हम सोचेंगे। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को नीतीश ने नहीं दिया मिलने के लिए समय, शिवानंद बोले भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर चले जाएंगे। बीजेपी विधायक राजू सिंह ने की नीतीश कुमार की तारीफ, कहा पार्टी अगर उन्हें साथ लेती है तो हम करेंगे स्वागत। बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान, हम किसी भी हालात के लिए तैयार, हमारे सभी विधायक एकजुट। पटना पहुंचे वीआईपी कि मुकेश सहनी का बयान, अभी कुछ नहीं है मालूम, इंतजार करना होगा। डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर सुशील मोदी का जवाब, बोले कि मेरे कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना विधायक हूं ना विधान परिषद हूं, मैं तो एक राज्यसभा सांसद हूं। लालू खेमे में भी सरकार बनाने को लेकर सरगर्मी तेज, सूत्रों के मुताबिक जीतन मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का मिला ऑफर। संतोष सुमन मांझी ने आरजेडी के साथ जाने पर दिया अपना बयान, बोले अभी जहां हैं वहीं ठीक हैं, हम एनडीए के साथ हैं, ऐसे ऑफर आते जाते हैं। नीतीश को लेकर अटकलों पर विपक्ष का बड़ा बयान, अखिलेश बोले महागठबंधन में प्रधानमंत्री बन सकते थे नीतीश। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, नीतीश कुमार को षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, साथ छोड़े तो बड़ा झटका। दिल्ली में आज एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शाम 4:30 बजे करियप्पा ग्राउंड में 2,200 भारतीय और 24 देशों के अन्य कैडेट होंगे शामिल। इस अवसर पर अमृतकाल की एनसीसी के नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन, युवा सशक्तिकरण पर होगा जोर। एनसीसी के कार्यक्रम में सरहद पर वाइब्रेंट गांवों के 400 से ज्यादा सरपंच भी रहेंगे मौजूद, स्वयं सहायता समूहों की 100 से ज्यादा महिलाएं भी लेंगी भाग। गृह मंत्री अमित शाह आज नासिक में शहरी कोऑपरेटिव बैंकों के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, 2 दिन चलने वाले कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। दिल्ली में कल शाम हुई बीजेपी की अहम बैठक, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद।
मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज जरंगे पाटिल ने किया आंदोलन खत्म करने का ऐलान। कहा, हमारी मांगे पूरी हुई, सीएम के हाथों जूस पीकर तोड़ेंगे भूख हड़ताल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रान पर बयान के लिए माफी मांगी। सिलीगुड़ी में राहुल गांधी को जनसभा की अनुमति नहीं मिलने पर जताया दुख। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना, बोले विकास में नंबर वन हरियाणा को पटरी से उतारा। हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता का बयान बीजेपी पर साधा निशाना। आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी आज से शुरू करेंगे लोकसभा चुनाव अभियान, जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में रिसेप्शन का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी मेहमानों का किया स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दिखे साथ। एट होम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद, गणमान्य हस्तियां रही मौजूद। दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के रंगों से जगमग राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल और संसद को रोशनी से सजाया गया। गणतंत्र दिवस के रंगों से जगमगाया दिल्ली का इंडिया गेट, तिरंगे के रंगों वाले लाइटों से की गई सजावट। गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम से मिलकर खुश दिखे जनजातीय समुदाय के छात्र छात्राएं, गणतंत्र दिवस समारोह में हुए शामिल। गणतंत्र दिवस पर विशेष आमंत्रित 500 लोगों से मिले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र यादव, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि योग शिक्षकों और प्रशिक्षकों को किया संबोधित, कहा देश की सेवा सर्वोपरि। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन और मछली पालन से जुड़े 250 लाभार्थियों से मुलाकात की, प्रधानमंत्री की पहल की तारीफ। गोवा में लोकोत्सव 2024 का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने किया संबोधित, भारत माता के जयकारे लगाए गए। गणतंत्र दिवस पर अगरतला राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, एट होम प्रोग्राम में शामिल हुए राज्यपाल और सीएम माणिक साहा। गणतंत्र दिवस पर लखनऊ राजभवन में भी अलंकरण समारोह, राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी ने किया संबोधित। महाराष्ट्र के कल्याण में लगा रोजगार मेला, सैकड़ों लोगों को दिए गए नियुक्ति पत्र। बनासकांठा में गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचे सिंगर सुखविंदर सिंह, बीएसएफ को दी राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं। सूरत में नई कंपनी के शुभारंभ के मौके पर प्राण प्रतिष्ठा के तर्ज पर हुई पूजा। भुवनेश्वर में ट्राइबल मेला 2024 का शुभारंभ, लोक कलाकारों ने पेश किए मनभावन लोक नृत्य। ट्राइबल मेला 2024 में दिख रहे हैं आदिवासी और जनजातीय कलाओं के विविध रंग, दस्तकारी और हस्तकला के सामानों की शानदार नुमाइश। मदुरै में मुन्नियांदी स्वामी बिरयानी फेस्टिवल की धूम, बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल, यहां भक्तों को प्रसाद में मिलती है बिरयानी। चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान ने गाया गाना, बांधा सुरों से शानदार समा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में स्कूली बालिकाओं के साथ किया भोजन, गणतंत्र दिवस पर पीएम
पोषण शक्ति निर्माण योजना पर भोज में हुए शामिल। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार के आसार। कोहरे के कारण कल 400 के पार पहुंच गया AQI। उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड और कोहरा। मथुरा और आसपास के इलाकों में आम जनजीवन पर असर। हिमाचल में मौसम हुआ मेहरबान। लंबे इंतजार के बाद अटल टनल सहित मनाली के पर्यटन स्थलों में हुई बर्फबारी। हिमपात के बाद बर्फ के फाहों में झूमे पर्यटक। सोलंगनाला कोठी, गुलाबा और पलचान में की अटखेलियां। जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड जारी, लेकिन पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार। पद्म पुरस्कार के ऐलान से बेहद खुश हैं असम की एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर पार्वती बरुआ। बचपन से हाथियों और जीव जंतुओं की सेवा में समर्पित कर दिया जीवन। उज्जैन की लोक कला माच के जानकार ओम प्रकाश शर्मा ने पद्म पुरस्कार पर जताई खुशी। कहा, आत्मा में बसी हुई है कला। उज्जैन के ही विद्वान साहित्यकार भगवती लाल राजपुरोहित को भी पद्म सम्मान से प्रसन्नता। कहा, शासन ने दिया मेहनत को मान। पद्मश्री के ऐलान पर झारखंड की पर्यावरण कार्यकर्ता चामी मुर्मू को खुशी। कहा, धरती माता की सेवा के कारण मिला यह सम्मान। तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो को भी पद्म सम्मान से प्रसन्नता। कहा, इस सम्मान के बारे में कभी नहीं सोचा था। हैदराबाद टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया की स्थिति मजबूत। भारत के पास 175 रन की लीड। भारत के पास अभी भी 3 विकेट। रविंद्र जडेजा 81 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अक्षर 35 रन बनाकर नाबाद। भारत के लिए KL राहुल ने खेली 86 रनों की शानदार पारी। यशस्वी जायसवाल ने भी बनाए 80 रन। भारतीय विकेटकीपर KS भरत ने बनाए 41 रन। वहीं श्रेयस अय्यर ने बनाए 35 रन। शुभमन गिल ने फिर किया निराश। सिर्फ 23 रन बनाकर लौटे पवेलियन।